हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों, मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं, यह है सेम फली का बीज। इसे फ्लैट बीन्स, हाइसिंथ बीन्स, इंडियन बीन्स, लैब बीन्स के नाम से जाना जाता है और यह फैबेसी परिवार से संबंध रखता है। मित्रों, आज मैं आपको सेम फली के पौधे को बीज से मिट्टी में कैसे उगाते हैं की जानकारी दूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। मित्रों, 15 दिन पहले देखिए, मैंने यही बीज, इनमें से दो बीज देखिए, मैंने मिट्टी में ग्रो किया था। देखिए, और ये सेम फली का पौधा है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है मित्रों इसकी। एक पौधा ये है और एक पौधा देखिए ये है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और 5 दिन पहले देखिए मैंने इस पौधे को लगाया था, बीज से ही लगाया था मैंने। देखिए बीज से ही इसको ग्रो किया था। कितना छोटा पौधा है और कितनी अच्छी ग्रोथ है, पौधे कितने हेल्दी हैं मित्रों। मित्रों, जैसे जैसे यह पौधा बड़ा होता है, इसकी बेल को रस्सी या बांस बंबू के जरिए छत या मचान पर चढ़ाया जाता है। मित्रों, इसको बोने का समय हर वर्ष फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर है और 2.5 महीने में आप इसकी फली की सब्जी बना सकते हैं। यह पौष्टिकता से भरपूर होती है। मित्रों देखिए, अब मैं आपको सॉइल कंपोजिशन की जानकारी दूंगा। एक भाग गार्डन सॉइल, देखिए गार्डन सॉइल है, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और धूप में सूखी हुई होनी चाहिए। एक भाग सैंड का, देखिए मित्रों रेत, और एक भाग मैंने लिया है व्हीट स्ट्रा, गेहूं का भूसा। यह मित्रों कोकोपिट का सब्स्टिट्यूट है। यह बहुत सस्ता, यह एक पावरफुल फर्टिलाइजर भी है। बस इसे 4-5 दिन पहले आपने पानी में भिगो करके ही आपने मिट्टी में मिलाना है, यानी 4-5 दिन पहले आप इसे पानी में भिगो दीजिए। और एक भाग मैंने लिया है गोबर की खाद का। इसके जगह पर आप मित्रों वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं और ड्राई लीव्स भी मिला सकते हैं। देखिए मेरे पास ड्राई लीव्स भी है और वर्मी कंपोस्ट भी है। मित्रों 1 टीस्पून मैंने हल्दी का भी लिया हुआ है। हल्दी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है इसमें, इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। अब इन सबको एक में मिक्स करना है। मित्रों अब देखिए, मैं आपके सामने इसे अच्छी तरह से मिला लेता हूं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, जल्दी नहीं करना है। मित्रों ध्यान यह भी देना है कि कोई कंकड़ पत्थर इसमें नहीं होना चाहिए। पहले तो हम मिट्टी की सफाई कर ही लेते हैं जब धूप में इसे सुखाते हैं, फिर भी अगर कोई कंकड़ पत्थर मिलता है तो निकाल देना है। मित्रों अब देखिए, मिक्स मिट्टी को मैं इस पॉट में भरूंगा। इसमें ड्रेनेज होल किया है मित्रों, देखिए ड्रेनेज होल इसलिए किया जाता है कि एक्सेस वाटर बाहर निकल सके और हवा का आवागमन प्रॉपर तरीके से हो सके। देखिए अब अंदर से इसमें पत्थर का टुकड़ा लगा देंगे और मिक्स मिट्टी को भरेंगे। देखिए मित्रों, मित्रों सेम फली के बीज लगाने के लिए देखिए मिट्टी तैयार है बिल्कुल। अब ध्यान देना ये है मित्रों कि आप जब भी इस बीज को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे बीज भंडार से खरीद सकते हैं और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। बस जब भी आप बीज खरीदते हैं इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि बीज फ्रेश होना चाहिए, किसी भी प्रकार की रोग इसमें नहीं लगी होनी चाहिए। देखिए मित्रों अब मैं इस मिट्टी में इसे ग्रो करूंगा। देखिए इसमें दो ही बीज मैं ग्रो करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले ही देखिए मैंने पहले पौधे लगाए हुए हैं। देखिए एक पौधा ये है और दूसरा ये है और तीसरा वो है। अब इसे 1 इंच का होल, देखिए दो करेंगे इसमें, एक ये होल करेंगे देखिए मिट्टी में और दूसरा ये, और इसमें दो पौधे ग्रो हो जाएंगे। देखिए इस बीज को बिल्कुल सीधा सीधा, देखिए ये
ये सफ़ेद वाला पोर्शन कोशिश कीजिए, आप कैसे भी डालेंगे तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऊपर हो। देखिए ये ऐसे ऊपर, और इसको ऐसे मिट्टी ऊपर से लगा दीजिए, मिट्टी यानी ढक दीजिए इसको, और हल्का सा पानी इस पर स्प्रे कर दीजिए। मित्रों, आपने इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे छन छन कर धूप मिले, और सुबह शाम इसमें थोड़ा थोड़ा आपने पानी भी देना है। मित्रों, अभी आपने देखा सेम फली के पौधे को बीज से कैसे ग्रो किया जाता है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।